एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुष्मिता डॉट अशिया पे। तो आज है बसंत उत्सव, तो हम लोग अभी सब लोग मिलके जा रहे हैं। तो मैंने अर्शिया को भी तैयार करके रखा है, मैं दिखाती हूँ अभी। अर्शिया और मेरे भाई हम सब मिलके जाएंगे। ये देखिए अर्शिया को, और ये है अंकिता। अरे देखिए, अर्शिया और अंकिता दोनों आ चुके हैं, और उधर रिजू भी है, और ये भी जा रही है हमारे साथ। तो मैं भी तैयार हो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं बाहर। बहुत ही धूप है, देखिए अक्षिया को, और इधर भाई लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए उधर जाके फिर मिलती हूँ आपसे। पहुँच चुके हैं, देखिए कितना भीड़ है इधर। तो ये एक पार्क है, इधर बसंत उत्सव होता है हर साल, तो पूरा भीड़ है। अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं, और इधर देखिए अक्षिया को, अक्षिया और इधर है अंकिता, अंकिता। तो बहुत भीड़ है, देखिए टिकट मेरा आ चुका है। ये है टिकट, रिजू को देखिए, टिकट दिखा दो। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो मैं अच्छे से आप लोगों को पूरा पार्क दिखा देती हूँ। ये पार्क का नाम है सूर्यसेन पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है। तो मैं तो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में रहती हूँ, तो इधर ये पार्क है, बहुत ही सुंदर है, बच्चे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। और इधर तो अभी बसंत उत्सव भी होता है, तो हम लोग आए हैं बहुत सालों के बाद। मैं पहले नहीं आई थी, इस साल मेरा पहला है, तो इस साल मैं पहली बार आई हूँ। तो देखिए कितना भीड़ है, हर साल ही ऐसा ही भीड़ होता है। मैं फ़ोटो वगैरह देखती हूँ हर साल, लेकिन इस बार मैं खुद आई हूँ, क्योंकि अर्शिया इस साल थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो उसको लेके आई हूँ, वो भी इंजॉय करेगी। तो आप लोग भी देखते रहो, कितना मज़ा आएगा, देखने में ही लग रहा है। सब लोग रंगीन रंगीन और रंगीन रंगीन साड़ी पहन के, सब लोग अपने गेस्ट मतलब दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, मम्मी के साथ सब लोग आए हैं। तो आप लोग भी देखते रहो, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। अंकिता की मम्मी भी आई है, आंटी, तो आंटी से भी मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। चलिए हेलो सी नीचे। ये है आंटी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इधर रेस्ट करेंगे, फिर रंग वगैरह खेलेंगे। और देखिए सब लोग बैठे हैं। की बाबा किचु खाबा Thank you.
लोग रंग खेल रहे हैं और अर्शिया भी पूरा मस्त रंग खेल रही है। देखिए चाय बोला हैप्पी होली बोला आइए बोला हैप्पी होली बोला 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 उधर जा लो। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, अर्शिया को लेस कुरकुरे कुछ खरीद के देती हूँ, फ्रूटी वगैरह देखती हूँ कहाँ से मिलता है। और इधर भीड़ देख रहे हो आप लोग, कितना सारा भीड़ है देखिए सब इधर उधर, तो पूरा भीड़ है। लेस और बिंगो और एक पानी का बोतल लिया है। तो अभी हम लोग बैठ के कहीं पर बैठ के फिर खाएंगे। रिजू और अंकिता जो है उधर है तो उधर चलते हैं, फिर उधर जाके बैठ के फिर ये खा के फिर थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी बने रहो मेरे साथ। आपको देखिए इधर ट्रेन भी चलता है, टॉय ट्रेन जो है वो है ये। तो इधर अर्शिया भी देख के बहुत खुश हो रही है, उसको बच्चे लोगों को तो यही सब पसंद है, पार्क में आने से यही सब अच्छा लगता है। बच्चे लोगों का बहुत कुछ दिखाई देता है और चढ़ने को मिलता है। तो आज तक ट्रेन में नहीं चढ़ाऊंगी, तो ये आप लोग देखते रहो। अभी हम लोग जा रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए और उधर चल रहा है प्रोग्राम, देखिए उधर डीजे प्रोग्राम चल रहा है। चलिए हम लोग फोटो खींच लेते हैं, इधर का जो फ्लावर्स है इधर ही हम लोग फोटो खींचेंगे, बहुत सुंदर सा एक जगह है। तो चलिए उधर फोटो खींचते हैं। चलो आशिया का देखिए कितनी खाड़ी है, कि भीड़ पूरा भीड़ है, फोटो खींचने का जगह ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को। देखिए इधर चल रहा है प्रोग्राम, ये इधर फिर से ट्रेन आ रहा है देखिए। अब क्या कहें, ये देखिए छोड़ दिया तो देखिए ट्रेन जा रहा है फिर से, बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में। अभी घर जाने के लिए पूरा एकदम रेडी, तो चलिए अभी घर जाने, शाम हो चुका है। इधर से निकलना पड़ता है, वो भूल गई मैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूँ पार्क पे, ये पार्क पे। चलो चलिए अभी बाहर जाके हम लोग कुछ खाएंगे फिर घर जाएंगे। तो आप लोग को कैसा लगा ये पार्क और जो जो मैंने दिखाया प्लीज बताना कमेंट में। और इधर सुनिए कितना सुंदर जो पक्षी है वो सब आवाज कर रहे हैं, देखिए सुनिए। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो इस साल मैं पहली बार बसंतोत्सव में गई, तो 2-3 साल से हर साल ही होता है, मैं कभी नहीं गई थी। इस साल मेरा पहला बसंतोत्सव है और तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग को देख के कितना मज़ा आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और टोटो में ही आते आते अर्शिया सो गई थी, ये देखिए अर्शिया अभी तक सो रही है। तो अर्शिया उठ जाएगी तो मैं उसको खिला दूंगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में, बाय।